बहुत धन्यवाद धन्यवाद। जैसा आप सब लोग अवगत हैं कि हमारे यहाँ 1 जून को मतदान होना है और इस मतदान में सभी लोगों के का मतदान सुनिश्चित हो सके, खासतौर पे जो दिव्यांगजन हैं और यहाँ के ट्रांसजेंडर्स हैं, महिलाएं हैं और 80-85 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोग हैं, ये लोग भी मतदान प्रक्रिया से अछूते ना रहे, इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्हीं कार्यक्रमों में की कड़ी में आज ये कार्यक्रम था जिसमें मुख्य रूप से दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडर्स ने अपनी भूमिका निभाई थी। इन्होंने खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से, अपने वक्तव्य के माध्यम से और विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से ये पूरा प्रयास किया कि न केवल इन वर्ग का इंक्लूजन हो और दिव्यांगजन या ट्रांसजेंडर वोट डालने जाए, बल्कि सभी मऊ के मतदाता इससे जागरूक होकर अपना मतदान सुनिश्चित करें और एक स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाए। आगे का आपको कार्यक्रम किस तरीके का मौजूद दिख रहा है, आगे किस तरीके की, जैसे अभी मतदान को जागरूकता की जा रही है तो ऐसा कैसा लग रहा है कि अभी इसमें ऑलमोस्ट सारे लोग इसमें कवर किए जाएंगे, बहुत से ऐसे मतदाता हैं कि जो कि शायद कवर ना किए जाए? देखिए, हम लोग की पूरी उम्मीद है, हम लोग न केवल जनपद मुख्यालय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और करेंगे, बल्कि विकास खंडों में भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं महिलाओं को जागरूक करने के लिए, गांव-गांव पर भी हम लोग का प्रयास है। उम्मीद पूरी है कि ग्रामीण अंचल से विकास खंडों में और जनपद मुख्यालय के समन्वित प्रयास से लोगों में जागरूकता बहुत जबरदस्त आएगी और हम लोग वोटर टर्नआउट इस बार